बौखला गए हैं अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। इस गदा से उसका मुंह तोड़ देना बस, और कोई दबाव उसके पास अब नहीं बचा है। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है कि अखिलेश यादव मुसीबत में आ गए हैं। उनके बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान ने यूपी की राजनीति में उबाल ला दिया है। तमाम हिंदू संगठनों को स्वामी के बयान ने नाराज कर दिया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल तक कह डाला है। उन्होंने सपा अध्यक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बौखला गए अखिलेश यादव। हम महंत राजू दास का बयान सुनाएंगे, उससे पहले स्वामी प्रसाद का वो बयान सुनिए जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मेडल डिबेट में भाग लिया। उन्होंने कहा सर जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हम आएंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। बस यही वो बयान है जिसके बाद महंत राजू दास अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं। अब महंत राजू दास का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर लताड़ा है। दुर्भाग्य की बात है, यह बोल माननीय अखिलेश यादव जी का है, न कि स्वामी प्रसाद मौर्य का। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का होता तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती, ये बोलने लायक नहीं होते। शुद्ध रूप से बौखला गए हैं अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, वो मनोरोगी हो चुका है, वो पागल हो चुका है। उसका सिर्फ एक ही दवा है, इस गदा से उसका मुंह तोड़ देना बस, और कोई दवा उसके पास अब नहीं बचा है। क्योंकि आप बताओ, उसने यह कह दिया कि पत्थर में जान डालते हैं, मुर्दे में जान डालकर दिखाएं, कितनी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आस्था के साथ शुद्ध रूप से खिलवाड़ है। एक का ही चारा है, इस गदा से मुंह तोड़वा दें बस, और बाकी कुछ नहीं। महंत राजू दास ने अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य को खूब सुनाया है। स्वामी ने जिस तरह का बयान दिया है शायद अखिलेश यादव को भी ना पसंद आए। इससे पहले अखिलेश ने धार्मिक मुद्दे पर अपने नेताओं को बोलने से मना किया था, पर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि मानते ही नहीं है। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का अखिलेश कैसे बचाव करते हैं।